बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं, और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सारे बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि मैंने अपने हेयर को इस तरीके से करके रखा है ना। सबसे ज्यादा निशू हंस रही है, वो हंस इसलिए रही है कि मैं अपने बाल को ऐसे क्यों की, इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है, लंबी सब बाल को उठा के बांध ली है इसलिए। और यहाँ पे सब नंबर लगा के बैठे हैं सेल्टा खाने के लिए। छोटा ये पूरे नींद में है, लेकिन आइसक्रीम के चलते जबरदस्ती उठ के आई है, मैं बुलाने भी नहीं गई थी। छोटा ले वीडियो बनाएगा ना, आज छोटा यहाँ बैठ के पकड़ेगा मोबाइल को। हाँ आ जा जा, सबसे अच्छा यही वाला है। अभी आइसक्रीम कट करते हैं फिर दिखाते हैं आप लोग को ना। हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम पार्टी कर रहे थे, और फिर अब आ गए तो थोड़ा सा क्लिप उनका भी ले लिए, क्योंकि अब्बा उस टाइम पैसा गिन रहे थे और हम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे थे, तो छोटा सा क्लिप उनका भी ले लिए। और अब्बा को नहीं मालूम था कि हम लोग कैमरा ऑन करके रखे हैं। छोटा एक ठो मैं वो करके दूंगी ना, दौड़ के फेस मामा को देके एक ठो दौड़ के जाओ। पनीर जिसे नहीं जब तू आएगा तब तक मैं हिस्सा लगा लेंगी ना। अगर मासूम मामू होंगी तो बोलना आप घर चलिए। फोन लगा भाई, ना वो घर वाले नंबर से दे ना, बाजी लोग को देते जाना, उन लोग को ले 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 ठीक लगा अब्बा? खा जाइए पूरा खा जाइए। आपको नहीं मिला इनाया? देखते मेरी बेटी को मिल भी नहीं किया। इनाया लीजिए और बड़ा सा, कहाँ से लेके आओ? सबसे अच्छी है, इसको कैमरा इससे पहले नहीं मिलेगा किसके बाद नहीं मिलेगा। मैं तो खा रही भाई, लजाने वाली कौन सी बात है इसमें। तुम लोगों को बदनाम करवा रही है अल्फी और इनाया, आप लोग मत लो। छोटा और कुछ हो गया? मामू का नहीं रखेगा फ्रिज में? मामू का फ्रिज में लीजिए, मामू का फ्रिज में रख के आइए, बड़े मामू का। मुन्नी बाजी पूरा कजरारी कजरारी दिख रही है। आइसक्रीम निशु पर वीडियो में नहीं आना चाहती है, तो उसको हम लोग लेंगे भी नहीं, वरना कैमरा खराब हो जाएगा हम लोग का। अपने कैमरे की कैपेसिटी बढ़ाते हैं उसको कैमरा में ना लेके, और छोटा से शर्त लगाए हैं, अगर छोटा ज्यादा बात कर दिया तो। क्या शर्त लगाया छोटा? देगी बाबू मामी। मामी क्या देगी? मामी के साइड से पार्टी। मामी के साइड से पार्टी अगर वो ज्यादा बात कर दिया तो, मतलब जितना अल्फिया या इनाया बोलते हैं ना उतना अगर छोटा बोल दिया तो उसको मेरी तरफ से पार्टी मिलेगा। कटोरी मिला उसको बता रहा है ना छोटा, चाट नहीं सो कटोरी को जीप से चाट रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ तो। नहीं बेटू किसी को नहीं देना, नहीं किसी को नहीं, देखो सबसे ललाल लड़की ना घर में सबसे मतलब नहीं वीडियो करते हैं तो तू बच्चे लोग का खाएगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी। देखना ना ये लड़की कैसे बच्चों का लूट के खाती है, देखते रहना बच्चों।
बच्चों का कैसे लूट के खा रही है उसको ध्यान से देखो, ध्यान इधर अच्छा वाला सीन चल रहा है इसको देख पहले। ये एक दिन पहले की वीडियो थी जो मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। टाइम हो रहा था 8 बज रहा था, 8 बजने में 2-3 मिनट बचा हुआ था अभी और नाश्ता कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना वीडियो शेयर कर ले कि मैंने किस टाइम पे क्या चीज़ बनाया था और कैसे बनाया था। तो आजकल हमारे यहाँ बहुत ही स्पेशल ही खाना बन रहा है क्योंकि सबको आए हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है, टाइम इन्जॉय हो जा रहा है। और नाश्ते में आज था पोहा और पास्ता, तो ऐसा ही कुछ नाश्ता बनता है हमारे यहाँ कुछ स्पेशल ही ताकि बच्चों को पसंद आ जाए। और हमेशा कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, रोज़ ना रोज़ तो बनाना ही है। तो हम लोग एक एक करके सारे जो भी नाश्ता हम लोग के माइंड में चल रहा है, जो चीज़ घर में अवेलेबल है और जो बच्चों को खाना है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ना कुछ बना दे रहे थे। यहाँ पर मैंने बनाया था पोहा, और जिन्हें पोहा नहीं पसंद है या जो पोहा नहीं खाना चाहते उनके लिए हमने अलग से बना दिया था पास्ता। तो बच्चे आज पोहा और पास्ता खा लेंगे क्योंकि दिन में बिरयानी खाने का प्लान है, तो इस तरीके से हल्का नाश्ता कर लेने के बाद बिरयानी जो है वो अच्छे से खिला जाएगा। और बिरयानी की भी वीडियो मैंने बना दी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखा देंगे कि हमने बिरयानी कैसे बनाई थी। और यहाँ पर शायद मैंने क्या चढ़ाया था मुझे याद नहीं है। और यहाँ पर माँ बाजी सब मिल के जो दाल होता है ना, दाल चना और भी क्या क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ को दर रहे थे उसमें चक्री में। और मैं अंदर खाना बना रही थी, मैंने बाजी से बोला बाजी मैं भी एक बार दो बार दरते हैं, तो बोले नहीं आप अंदर खाना बना लीजिए हम लोग दर लेंगे। तो बाजी लोग ये जो थे उसमें से दाल और भूसी वगैरह सब अलग कर रहे थे, माँ थी, बाजी लोग थे, सब कोई थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ टाइम पास भी हो जाता है और जो भी चीज़ें होती हैं काम होता है वो भी कम्प्लीट हो जाता है। तो मुझे भी ये दरना पसंद है ये सब चीज़, लेकिन खाना भी बनाना ज़रूरी है, तो मैं खाना बनाने में बिज़ी हो गई थी। और यहाँ पे आम का हिस्सा लग रहा था, मतलब कि माँ लोग बहुत सारा आम लेके आई थी, कहीं पे गए थे तो बहुत सारा आम लेके आए थे माँ लोग, अपने जो फ्रेंड लोग हैं उनकी और जो भी उनकी रिलेटिव सब हैं सब मिलके लेके आए थे। तो वो लोग बैठ के यहाँ पे आम का हिस्सा लगा रहे थे, मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया, मैंने बोला कि मैं आप लोग का फेस नहीं लेती हूँ बट क्लिप ले लेती हूँ एक, तो मैं अपने मेमोरी के लिए कि दिखाऊंगी कि यहाँ पे आम का हिस्सा लग रहा है, ताकि सारे लोग फिर अपना अपना आम का अचार वगैरह जो भी डालना बनाना है वो सब बना लेंगे। हम लोग यहाँ शायद इसकी बहुत सारे को रख दिए थे चटनी बना के खाने के लिए रोज़ के लिए, और थोड़ा सा यहाँ के लैंग्वेज में कचरी बोलते हैं, मतलब ताज़ा आम का छोटा तुरंत खाने वाला जो अचार होता है ना वो लगा के उसको यहाँ के लोग कचरी बोलते हैं, तो वो बना के रख दिए थे। फिर अब उस दिन भी कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया और अब ये आ गया नेक्स्ट डे का वीडियो। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने नाश्ता में बनाया था इडली और सांभर। तो आपको तो ये पता है कि मेरे यहाँ इडली और सांभर बहुत पसंद की जाती है, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ बट ये रियलिटी है कि मैं अगर इडली और सांभर बनाती हूँ तो घर में सारे लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और हमेशा अगर घर पर कोई आया है तो इडली सांभर तो कम्प्लीमेंट है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे इडली और सांभर जो है रेडी था, मैं बाजी लोग के लिए प्लेट लगाई थी दोनों बाजी के लिए, तो मैंने एक प्लेट आप लोग को लगा के दिखा दिया कि मैं दिखा दूँ किस तरीके से इडली एकदम सॉफ्ट बना था, सांभर भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन मैं आप लोग को खिला नहीं पा रही हूँ। वैसे भी मैंने बहुत लोगों को बोलकर रखा है अगर आप लोग को खाना है तो प्लीज़ बता सकते हैं, मैं आप लोग को भी खिला सकती हूँ। देखिए इडली कितना अच्छा बना था, मतलब मौसम जैसे ही चेंज हुआ इडली बहुत सॉफ्ट बनने लगी, वरना ठंड में ऐसी इडली बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और मैं ये अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्लेटिंग कर रही थी कि किस तरीके से यूट्यूब चैनल पर भी मुझे वीडियो शेयर करना रहता है ना, तो उसके लिए भी प्लेटिंग कर रही थी। तो मैं यहाँ पे प्लेटिंग करके दिखा रही थी कि इडली सांभर बना के आप किस तरीके से अपना सर्व करके खा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने फ्रेंड्स को भी खिला सकते हैं। बहुत इजी है इडली सांभर की रेसिपी, आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगी इडली सांभर की रेसिपी की पूरी वीडियो कि मैं इडली इतनी सॉफ्ट कैसे बनाती हूँ। सांभर में भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ बट फिर भी सांभर मसाला बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे साथ साथ में अपनी चूड़ियाँ दिखाने की भी कोशिश कर रही थी, वैसे आप लोग मेरी चूड़ी देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने चूड़ी कैरी करके रखा है। तो थैंक यू, आप लोग को इडली सांभर कैसे लगा, और जिन लोगों ने मेरे हाथ की इडली सांभर खाई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि मेरे हाथ की इडली सांभर कैसे लगी। किसको आपका? आप जूस नहीं पीजिएगा, आप अपने मुंह में पूरा जूस लगा ली है, पूरा जूस को देखिए मुंह में लगाई है, कैसे लगाई है दिखाइए, ऊपर मुंह दिखाइए, जूस कौन लगाया पूरे मुंह में जूस लगा ली है ना अल्फी।
करते हैं वीडियो का एंड और चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कुछ अलग। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, फैमिली वाले कैसे लगे, हम लोग का पार्टी कैसे लगा, हम लोग कैसे इंजॉय करते हैं वो कैसे लगा, और हमारा टाइम पास कैसे हो जाता है वो आप लोग को कैसे लगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों से बात कर रही थी और एंडिंग के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप बना लिया था कि लास्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगी, क्योंकि एंडिंग वीडियो कुछ भी नहीं बना पाई थी। तो थैंक यू वॉच फॉर माई वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा।